क्या YouTube ही आने वाले यूथ का फ्यूचर है? आखिर कौन नहीं चाहता कि उनके चैनल के नीचे कुछ ऐसा नंबर हो और ढेर सारा पैसा भी। ईशान शर्मा जिन्होंने बिट्स पिलानी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया ताकि वो यूट्यूब को फुल टाइम परस्यू कर सके। आपको क्या लगता है 2020s और 30s में यूट्यूब कैसे बदलेगा? मैसिवली। पहली बात तो हमें हर तरफ से इस चीज को पकड़ना पड़ेगा। एक तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट को देखें, सारे लोग हम टॉप इंजीनियर्स नहीं बना सकते, टॉप मेडिकल नहीं बना सकते, इतनी जॉब्स ही नहीं है। तो पहला फैक्ट जो हमें एक्सेप्ट करना होगा वो ये कि हमें जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आपके पास कुछ नहीं, आप स्टार्ट हो जाओ, तो ये इसका सबसे स्ट्रांग रोल है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग परफेक्टली तो सक्सेस अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। कि मेरे अंदर एक टैलेंट है, मैं लोगों को मान लो हंसा सकता हूं, आ रहा है आपके अंदर से आ रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कॉलेज ही नहीं गए लेकिन फिर भी अपने अपने फील्ड में मचा रहे हैं, जैसे टेक्नो गेमर्स सौरभ जोशी, कैरी मिनाटी, बिल गेट्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल गेट्स भी एक यूट्यूबर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब का यूजर बेस था अप्रोक्सीमेटली 2 to 40 million, और ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 में ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। बट द क्वेश्चन इज, व्हाई आर पीपल क्विटिंग देयर कॉलेज एंड जॉब्स टू परस्यू फुल टाइम यूट्यूब? क्या यूट्यूब आपको सही में उतना पैसा देता है कि अपना कॉलेज या जॉब को छोड़ दो? तो अगर आप इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में चाहते हो तो नहीं मिलेगा। क्यों? मेरी मर्जी। उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी जाके समझोगे। अच्छा ये बताइए कि एक इंसान को अपनी लाइफ में क्या चाहिए होता है? अच्छा पैसा, रहने के लिए अच्छा घर, यही ना, जिसे पाने के लिए हम कॉलेज जाते हैं या जॉब करते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी को अच्छे पैसे के साथ साथ फेम और पॉपुलैरिटी भी चाहिए तो वो शायद बॉलीवुड जाने के बारे में सोचेगा। पर यूट्यूब इन सबसे डिफरेंट है। यूट्यूब आपको मनी और फेम दोनों ही चीजें प्रोवाइड करती है। चल झूठा। अगर आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि बहुत सारा पैसा और पॉपुलैरिटी, आप कौन से वाले को चूज करोगे? शायद मेजॉरिटी लोग पैसों को ही चूज करेंगे, लेकिन पैसों से फेम नहीं मिलता, पर फेम से पैसा मिल सकता है। और इस फेम के थ्रू आप अपने बहुत सारे बिजनेसेस को एक्सपैंड कर सकते हो और फिर पैसा ही पैसा हो गया। यूट्यूब इज वेरी सिमिलर टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। दिस इज द रीजन वाई बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ज्यादा पैसे कमाते हैं एज कम्पेयर टू डॉक्टर या इंजीनियर, क्योंकि लोग उन्हें जानते हैं। और तो और कुछ ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता लेकिन फिर भी वो बहुत सारा पैसा कमा सकते थ्रू ब्रांड डील्स एंड स्पॉन्सरशिप। वजह सिर्फ एक, एंड दैट इज पीपल रिकॉग्नाइज देम, दैट्स इट। कोविड के टाइम जब लोगों के पास काम और करने के लिए कुछ नहीं था तब सब लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाए हैं। और जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें आधे से भी ज्यादा 17-18 साल के बच्चे हैं। तुम ही बताओ, अगर किसी 15 साल का बच्चा ऐसा और ऐसा करके महीनों के साथ 70,000 रुपए कमाएंगे तो वो बड़े होकर नौकरी के बारे में सोचेंगे ही क्यों? ये तो हो गया पैसों की बात। इसके बावजूद भी यूट्यूब पे टाइम मैनेजमेंट भी एकदम सही तरीके से हो जाता है, जिसे हम वर्क फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। आप जब चाहो तब काम कर सकते हो और काम नहीं भी करोगे तब भी किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोग अपने काम में फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि आज आपका 12 घंटे काम करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है और जॉब में आपको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है जो आपको टाइम पे पूरा करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट, लेकिन यूट्यूब ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता है। आप अपना मनपसंद वीडियो बना सकते हो जब आपका मन करे। पर जॉब में एक क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी है कि आपको हर महीने पैसे मिल जाते हैं। यूट्यूब पे जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल है, नॉट लीनियर। आपको एकदम से ग्रोथ होते हुए नहीं दिखेगा। मान लिया कि आप दुनिया का सबसे बेस्ट वीडियो बनाते हो लेकिन तब भी विल टेक ए होल लॉट ऑफ टाइम। पर अगर आपको आइडिया नहीं है कि कितने सब्सक्राइबर्स पे कितने पैसे मिलते हैं तो आपकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैं एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। तो कितना पैसा आता है एक्चुअल में? 90% लोगों ना सर ऐसा लगता है कि सिर्फ गूगल एडसेंस से ही पैसा कमाया जा सकता है। अगर मैं अपना हटा भी तो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स का देखा है जो 6 million, 8 million, 10 million पे है। ये जो डील आती है ना, मतलब 30 सेकंड का एक शाउट आउट, वो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए तक भी जाता है एक स्पॉन्सरशिप का। और एक महीने में अगर उसने 4 करी तो समझ लो वो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है। क्या सच में इस फील्ड में करियर बनाया जा सकता है? बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को लगता है कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है। तो ये सब सुनी सुनाई बातों पे ध्यान ना देकर हम फैक्ट्स देखेंगे। 2025 तक YouTube पे करीब 800 मिलियन से भी ज्यादा लोग आने वाले हैं। करीब 66% ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए अब टीवी या किसी बड़े एक्टर्स के पास नहीं जाते, वो अपना पैसा सिर्फ इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। 30 मिलियन लोग
YouTube पे हर दिन लॉगिन करते हैं, 1 बिलियन से भी ज्यादा वॉच टाइम जाता है और YouTube पे लगभग 38 मिलियन प्लस चैनल्स हैं। तो ये सब देखने के बाद भी कोई अगर कहे कि सोशल मीडिया से कुछ किया नहीं जा सकता तो मैं उनको कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष महापुरुष।